हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बीएससी फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और अपना पहला टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक्स। देखो दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से चार्ज ईजिली फ्लो होता है और इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से चार्ज क्या है ईजिली फ्लो नहीं होता। ठीक है, अब अपने डिस्कस करते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। देखो जो डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं वो असल में इंसुलेटर्स ही होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ डाई इलेक्ट्रिक्स असल में है क्या। देखो, इस यूनिवर्स में हर चीज़ एटम से मिलके बनी है और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस तरह सेंटर ऑफ मास, आपने वर्ड सुना हुआ है सेंटर ऑफ मास, वो होता है जिस पर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड मानते हैं अपने ऑब्जेक्ट का, वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज होता है। सेंटर ऑफ चार्ज क्या होता है, जिस पर अपने उस ऑब्जेक्ट का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड मानते हैं। ठीक है, अब मैंने डाइइलेक्ट्रिक्स आपको समझाना है। जैसे मेरे पास कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, मटेरियल है, ये उसमें एटम्स हैं। ठीक है, तो एटम है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दोनों है। और क्योंकि ये इंसुलेटर है तो ये इंसुलेटर होने के कारण चार्ज का फ्लो नहीं होने देता, इसमें से करंट पास नहीं होता। लेकिन अगर मैं इस पर क्या करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो जैसे ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है वो इससे रिपेल होगा, यानी इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, जिससे एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा छोटा सा। देखो, हम एक चीज़ जानते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक्स है वो इंसुलेटर है और इंसुलेटेड मटेरियल में तो चार्ज का फ्लो होता ही नहीं है, तो इसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर बहुत ही माइन्यूट सा डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनके जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बहुत ही माइन्यूट है इनमें। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो, ये मेरे पास डाइइलेक्ट्रिक्स है, अभी मैंने उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या हुआ कि जो ये एटम था इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर था वो इस तरफ डिस्प्लेस हो गया, नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर था इस तरफ डिस्प्लेस हो गया। इसी तरह दूसरे एटम्स में भी यही होगा, तो हमारे पास छोटे छोटे डाइपोल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे डाइपोल बन गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी देखिए। देखिए, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दिया। देखो, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस हुआ है वो देखिए, ये छोटा सा डाइपोल बना क्योंकि यहाँ पे पहले एटम यहाँ पड़ा था, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गया और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस हो गया, ये बन गया डाइपोल। डाइपोल बन गया तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। इसी तरह इस एटम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एटम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह सभी एटम्स में डाइइलेक्ट्रिक के अंदर सभी एटम्स में क्या हो गया, एक डाइपोल बन गया और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है पोलराइजेशन के कारण उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ लग रहा था इस तरफ, उसकी वैल्यू में थोड़ा सा वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अंदर पोलराइजेशन के कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुका है। ठीक है, ये था डाई इलेक्ट्रिक्स।
आई होप आपको समझ आ गया होता हो गया हो आ गया होगा सॉरी। चलो डाइलेक्ट्रिक्स के बाद अब बारी आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पढ़ने की। देखो कोलम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है ट्वेल्थ में कि दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 है, बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है और बीच में वैक्यूम है तो फोर्स कितना लगता है इतना, और अगर बीच में वैक्यूम ना हो कोई मीडियम है तो फोर्स कितना लगता है इतना। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर कहते हैं और इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, और इसकी वैल्यू है हमेशा 1 से 1 होती है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 ही होती है, और बाकी जो मटेरियल्स हैं बाकी इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए जैसे प्लास्टिक ग्लास ये सब भी डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल ही है, इनकी वैल्यू हमेशा के की वैल्यू है 1 से हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। आई होप आपको डाइलेक्ट्रिक्स अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पोलराइजेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और दूसरी भी B.sc की वीडियोस हैं अपलोड करूँगा अगर अच्छे व्यू मिलते हैं तो, और अच्छे व्यू मिलते हैं तो धीरे धीरे सभी B.sc की वीडियो अपलोड कर दूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।